आशिक की है बारात जरा धूम से निकले, गीत के है बोल तो आपको जरूर याद होंगे। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश से खंडवा पहुंचे फर्जी आशिक की बारात खंडवा में धूमधाम से निकाली गई। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ दूल्हा तो वह युवक था जिसने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था, और बारातियों के रूप में हिंदू जागरण मंच के सदस्य थे जिन्होंने 1 किलोमीटर तक इस फर्जी आशिक की बारात निकाली फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर उसे मिलने खंडवा पहुंचा जहां उसने लड़की को रेलवे स्टेशन बुलाया, वहां से एक मॉल के सुनसान कमरे में ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की के चीखने चिल्लाने का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने लड़की को बचाया, फिर 1 किलोमीटर तक युवक का जुलूस निकालकर उसे लेकर खंडवा के मोगढ़ थाने पहुंचे और पुलिस के सुपुर्द किया। आजमगढ़ यूपी का एक लड़का हसीम नाम का लड़का खंडवा रेलवे स्टेशन पर उतरा और लैंडमार्क करके अपना मानसिंह मिल एरिया है वहाँ पर पहुँचा और वहाँ आसपास पब्लिक से पूछ रहा था कि मुझे होटल चाहिए, कोई खाने की व्यवस्था कहीं हो जाएगी। उसके साथ में एक लड़की थी तो लोगों को संदेह हुआ कि कैसा है जोड़ा, सुबह सुबह एकदम खंडवा आ गया है कैसा है। तो ये दोनों ऊपर होटल में गए तो कुछ लोगों ने दूर से देखते रहे कि थोड़ा संदिग्ध मामला है। बाद में लड़की की आवाज़ जोर जोर से चिल्लाने की आई कि उसी समय मैं भी वहीं पे था। हमारे हिंदू जागरण मंच की टीम के सभी कार्यकर्ताओं ने उस लड़के से पूछा, लड़की से पूछा क्या है, तो लड़की ने बताया कि यह इंस्टाग्राम पर मेरे से दोस्ती करता था और अमन एमओ अमन नाम बताता था जो कि हिंदू नाम होता है, और लड़की को बाद में मालूम पड़ा कि यह मुस्लिम है और वो शादी करने की धमकी दे रहा है वो उसको, और शारीरिक छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था इसलिए लड़की चिल्ला रही थी। तो इसी संदिग्ध हालत में हमने उस लड़की और लड़के को दोनों को कोवट पुलिस के हवाले करा। पकड़े गए युवक का नाम हासिम रजा, पिता जलालुद्दीन गझड़ा असोना आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है जिसने इंस्टाग्राम पर ईमो अमन के नाम से अपनी आईडी बना रखी थी जिससे वह एक माह से लड़की से चैट कर रहा था। इस मामले में मोगढ़ थाना प्रभारी ईश्वर सिंह व महिला एएसआई ने 8 घंटे तक जांच की और आरोपी युवक हासिम रजा के खिलाफ छेड़छाड़ व एससी एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।